अगर आप अपने स्मार्टफोन से या फिर वन प्लस के किसी भी मॉडल से एड्स से अगर बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, एड्स को बंद करना चाहते हैं लेकिन बंद नहीं कर पा रहे हैं, काफी सारे ऑलरेडी वीडियो भी देख चुके हैं, काफी सारे सेटिंग भी आप कर चुके हैं, फिर भी नहीं हो रहा है, सो ये वीडियो लास्ट वीडियो है इस टॉपिक से रिलेटेड। इसे देखिएगा, आप जो है 101% है कि आपके फोन पे जो एड्स आ रहा है उसे लाइफ टाइम के लिए आप ब्लॉक कर सकते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाऊंगा। ओके, सो इससे पहले जो मेरा वीडियो अगर देखे लिए हैं, उस सब सेटिंग किए हैं फिर भी नहीं हो रहा है, सो इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना है क्योंकि इस वीडियो पे मैं अलग आपको सेटिंग यहाँ पे एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूँ। लगभग यहाँ पे तीन आपको सेटिंग बताऊंगा, ये तीनों सेटिंग अगर आप अप्लाई कर लेते हैं अपने डिवाइस में सो आप जो है देख पाओगे कि आपके जो फोन पे यहाँ पे एड्स का प्रॉब्लम उसे आप ब्लॉक कर देंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या करना, फोन का जो सेटिंग है बस फोन का सेटिंग पे आना है, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। फोन का सेटिंग पे आ जाना है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है, नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं एक गूगल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से आपको बैक नहीं जाना, यहाँ पे आना है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे जो है जो आईडी से आप जो है फोन को लॉगिन किए हैं, यूज कर रहे हैं जीमेल आईडी, वो आपको यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पे क्या करना है, मैनेज योर गूगल अकाउंट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आपको क्या करना है, बस इसी पे आपको आना है, क्लिक कर लेना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से आ जाएगा, यहाँ पे आपको देखने मिलेगा, देख सकते हैं डाटा एंड प्राइवेसी का ऑप्शन। आपको क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे नीचे की ओर आपको आना है, इस तरह से नीचे की ओर स्लाइड करना है और यहाँ पे देख सकते हैं माई एड सेंटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है इस डिवाइस में। सो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑफ का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। सो आपको क्या करना है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है लेकिन आपके डिवाइस में यहाँ पे ऑन का ऑप्शन रहेगा। ओके, सो आपको इस पे क्लिक करना है, इसके अंदर जाओगे तो वहां ऊपर की ओर आपको यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बस उसी पे क्लिक करके आपको इस जो सिस्टम को ऑफ कर देना है, आपके डिवाइस में ऑन रहेगा। सो एक ये चीज आपको ट्राई कर ले, देख लेना है यहाँ पे अगर ऑन है तो आपको ऑफ करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा वाला, सो सेकंड स्टेप के लिए क्या करना है, फोन का जो सेटिंग है बस फोन का सेटिंग पे ही आना है। इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, नीचे की ओर आना है अबाउट वाले सेक्शन पे। ओके, यानी डिवाइस अबाउट का देखने को मिलेगा, यहाँ पे आना है और यहाँ पे वर्सल का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पे आपको तीन से चार बार आपको क्लिक करना है। बिल्ड नंबर यानी डेवलपर ऑप्शन जो है आपके डिवाइस में इसे इनेबल कर देना है। डेवलपर ऑप्शन इनेबल करने के बाद आपको बैक आना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, डेवलपर करके यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। देख सकते हैं डेवलपर ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, इसी पे आपको आना है, क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक कर लेते हैं इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, देख सकते हैं रनिंग सर्विस का ऑप्शन। आपको क्या करना है, बस इसी रनिंग सर्विस के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सो यहाँ पे एक जो है एप्लीकेशन, यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एप्लीकेशन आपको यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। इसी एप्लीकेशन के बीच में या फिर नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर इस तरह से एक जो है एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका ना ही लोगो देखने को मिलेगा ना ही नाम देखने को मिलेगा, कितना वो स्पेस लेके रखा है वो चीज आपको यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आपको देख लेना है। अगर आपको यहाँ पे शो ऑफ ना हो तो इस हाल में आपको क्या करना है, अपने दिमाग यूज करना है। इसके लिए फोन का जो डार्क मोड है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा डार्क मोड, इसे आपको इनेबल कर देना है। इसे ऑन आप जैसे ही करोगे सो यहाँ पे इस तरह से ब्लैक होके आ जाएगा। सो उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि आपको नजर आ जाए, जैसे ही इस पे आ जाएगा, जैसे कि मान लो मैं इस तरह से आएगा तो यहाँ पे उस पे आपको सेलेक्ट करना है, इस तरह से आएगा, इस तरह से करने का उसे आपको स्टॉप कर लेना है, यानी आपको डिलीट कर देना है यहाँ से। ओके, सो इस तरह से अगर आप स्टॉप कर लेते हैं सो यहाँ पे जो एड्स का जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। सो ये था दूसरा स्टेप। अब यहाँ पे देख लेते हैं तीसरा स्टेप जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो इसके लिए आपको क्या करना है, फोन का जो सेटिंग है बस फोन का सेटिंग पे आपको आ जाना है, यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर आपको आना है, स्लाइड करके यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हैं यहाँ पे एप्स का ऑप्शन, ये इस ऑप्शन पे आना है, एप्स ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से ओपन हो जाएगा। अब आपको फर्स्ट में देखने को मिलेगा ऐप मैनेजमेंट, देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इसी ऐप मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूरा एप्स जो है आपको देखने को मिल जाएगा, आपके डिवाइस में जितने सारे एप्लीकेशन है यहाँ पे आपको क्या करना है, ढूंढ लेना है। इस तरह से एक एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाएगा जिसका लोगो एंड जो है नेम वो आपको शो अप नहीं होगा। ओके, हो सकता है कि नीचे की ओर आपको देखने को मिल जाए या फिर बीच में या फिर फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाए। सो इस तरह से आपको यहाँ पे निकालना है, उसे आपको डिलीट कर देना है। इसे अगर आपको यहाँ पे शो अप नहीं हो रहा है सो आपको क्या करना है, अपने फोन को डार्क मोड पे ऑप्शन इनेबल कर देना है और डार्क मोड जैसे ऑन कर देते इस तरह से स्क्रीन ब्लैक हो जाएगा। अब यहाँ से आसानी से उस एप्लीकेशन को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से वो एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। यहाँ से अगर आप उस एप्लीकेशन को डिलीट नहीं करते हैं सो एड्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जो है यहाँ से इस एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं सो एड्स आना जो है आपके फोन पे वो ब्लॉक हो जाएगा, बंद हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पे जो तीन ऑप्शन है, तीन ट्रिक्स आपको बताया, इस तीनों सेटिंग को आपको करना है, यहाँ पे चेक कर लेना है अगर आपके फोन पे एड्स आ रहा है तो। इसी के मदद से आप जो है एड्स को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके अलावा जो ऑलरेडी वीडियो मैं दे चुका था आपको, अगर आप वो नहीं देखे तो उसे भी देख लेना, उसे भी आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे कैसे हम जो है एड्स को हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं। आपके पास वन प्लस डिवाइस हो या फिर वन प्लस के अलावा दूसरे डिवाइस हो,
सभी फोन पे यही सिस्टम की मदद से, यही तरीके की मदद से आप जो अपने फोन का जो एड्स है उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर सकते हैं।